बच्चों, आज का हमारा वीडियो विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा सामान्य ज्ञान संचेतना, जिसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें आज हम साइंस के 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ए मैदानी भागों में, बी पहाड़ों पर, सी रेगिस्तान में, या फिर डी समुद्र के किनारे। और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, अपना कमेंट जल्दी से कीजिए। और इसका सही आंसर है बी पहाड़ों पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेहद आसान है, निम्न में एक बीजी फल कौन सा है, यानी जिसमें एक बीज निकलता है? ए संतरा, बी नींबू, सी अनार, या फिर डी आम। जल्दी से कमेंट कीजिए। और यहाँ पर सही आंसर है डी आम। आम में सिर्फ एक ही बीज पाया जाता है, जबकि संतरा, नींबू, अनार में एक नहीं अनेक बीज पाए जाते हैं। बेहद आसान प्रश्न है, पिछला प्रश्न इसी से संबंधित था। निम्न फलों में से अधिक बीज किसमें पाए जाते हैं, एक से अधिक बीज किसमें पाए जाते हैं? आम, लीची, अनार, जामुन। तुरंत कमेंट कीजिए। और अगर आपका आंसर है सी अनार, तो आप बिल्कुल सही है। आम, लीची और जामुन में एक एक बीज पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा अनुकूलन से है, मेंढक का शरीर जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, क्योंकि आपके ऑप्शन है ए पैरों में पादजाल होते हैं, बी श्वास लेने के लिए फेफड़े होते हैं, त्वचा नम होती है, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए बीज पत्र, बी बीज चोल, सी भूण, या फिर ये सभी विकल्प सही हैं। तो अगर आपने सही उत्तर लगाया है बी बीज चोल, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बीज पत्रों को खोलने पर किसकी संरचना दिखाई देती है? ऑप्शन ए मूलांकुर, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी प्रांकुर, या उपरोक्त सभी। और अगर आपने आंसर चुना है ऑप्शन बी भ्रूण, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान है, वह जंतु जो केवल शाकाहारी है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी भालू। और अगर आपने आंसर चुना है सी खरगोश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बेहद आसान है, निम्न में मांसाहारी जंतु है। ए खरगोश, बी बकरी, सी गाय, या फिर डी शेर। अगर आपने ऑप्शन चुना है डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी शेर, खरगोश, बकरी, गाय, ये तीनों ही हमारे शाकाहारी जंतु हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा जंतु स्तनधारी है? ए मुर्गी, बी मछली, सी कौवा, या फिर डी चमगादड़। चमगादड़ याद रखिएगा, चमगादड़ एक पक्षी है तो है, लेकिन वो स्तनधारी है, तो यहां से आंसर हो जाएगा डी चमगादड़। अगला प्रश्न भी बेहद आसान है, अंडा देने वाला जंतु है। ए घोड़ा, बी बकरी, सी चूहा, या फिर डी मुर्गी। और अगर आपने आंसर लगाया है डी मुर्गी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंकुरित बीज अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? बीज चोल से, भ्रूण से, बीज पत्र से, या फिर मूलांकुर से। जल्दी से इसका कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी बीज पत्र, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए परपोषी, ऑप्शन बी
स्वपोषी, ऑप्शन सी मांसाहारी या फिर डी शाकाहारी। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी स्वपोषी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में यह भी आता है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। वह जंतु जो अपना भोजन के लिए पेड़ पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर होता है उसे कहलाता है, परपोषी, मांसाहारी, स्वपोषी, शाकाहारी। तो इस प्रकार के जंतुओं को कहा जाता है परपोषी। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में श्वसन हेतु पत्तियों की नुकीली सतह पर छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, पुली, अच्छाद, निचली बाहरी त्वचा, खंभ, ऊतक या फिर डी पर्ण रंध्र। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी पर्ण रंध्र, जी हाँ, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पर्ण रंध्र के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ए गुरु गोविंद सिंह खुराना, बी जगदीश चंद्र बसु, सी न्यूटन या फिर डी एडिसन। तो इसका सही जवाब है बी जगदीश चंद्र बसु। क्रेस्कोग्राफ जो यंत्र है ये पेड़ों की वृद्धि को मापने में काम आता है। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने का क्या कारण है, जीवाणुओं के कारण बनता है, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण या फिर विषाणु के कारण। इसको सोचिए और इसका आंसर आप जरूर बताइए। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, और अगर आपने इसके लिए आंसर चुना है ऑप्शन ए जीवाणुओं के कारण तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, जिस तरह मछली के पंख होते हैं उसी तरह पक्षियों में होते हैं, पंख, गलफड़े, फेफड़े, चोच। चूंकि जो मछली के पंख हैं होते हैं उससे वो तैरती है, ठीक उसी प्रकार से जो पक्षियों के पंख होते हैं जिससे वो उड़ते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कवक और मशरूम उदाहरण हैं शाकाहारी के, व्यक्ति के, अपघटक के, कीट के। और अगर आपने इसका आंसर लगाया है ऑप्शन सी अपघटक तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, कीट बच्ची पौधे होते हैं, परपोषी, स्वपोषी, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। अक्सर बच्चे इसका आंसर लगाते हैं परपोषी, ये गलत है, चूंकि इसका आंसर होगा स्वपोषी। ये कीट बच्ची पौधे कीटों का भक्षण जरूर करते हैं, ये केवल और केवल नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं और इनमें पर्णहरिण भी पाया जाता है। वह जंतु पौधों के सड़े गले अवशेषों से भोजन प्राप्त करता है, इसे अन्य पक्षी अपना भोजन बनाते हैं, ये मृदा में पाया जाता है, इस जंतु को पहचान कर लिखिए। इसका सही, इसका ए ऑप्शन है सांप, बी है कछुआ, सी है केचुआ, डी है घेंघा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा केचुआ। जी हाँ, ये पेड़ पौधे और सड़े अवशेषों को अपना भोजन बनाता है, अन्य पक्षी इसे भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और ये मिट्टी में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। कुल मिला के आज की ये हमारी 20 प्रश्न थे, ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे तुरंत लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस प्रकार की हम वीडियो बनाते रहते हैं, और अगर आप इस समय विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा RNB स्टडी ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ।